हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ, सन से। पहले हम सन बनाएंगे। एक कोकोनट ट्री, बोथ साइड सेम सिमेट्रिकली बनाएंगे हम। और हम दूर में एक बुशेस थोड़ा दिखाएंगे, जो इस प्रकार से होगी, ग्रास सामने की ओर। अब हम येलो कलर लेंगे, जो सन में पहले करेंगे हम। इस प्रकार से हम येलो कलर करना स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरह से हम इसे फिल कर लेंगे। अब हम ऑरेंज कलर लेंगे और सन के ठीक साइड साइड से हम अच्छी तरह से गोल कर लेंगे इसे पहले, ताकि कलर अंदर ना जाए। फिर इस ऑरेंज कलर को हम सभी स्काई में फिल कर देंगे, इस साइड इस तरह से। अब हम येलो कलर लेंगे और ऊपर जहाँ हमने थोड़ा ऑरेंज और वाइट छोड़ रखा है, उसे अच्छी तरह से फिल करेंगे येलो से। देखिए, इस साइड इस टाइप से हम फिल करेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से फिल हो जाए। जितने पोर्शन हमने वाइट और लाइट येलो ऑरेंज छोड़ रखे हैं, उसे येलो से फिल करेंगे। कुछ भी छूट ना जाए। कुछ कलर हम ऑरेंज के ऊपर भी करेंगे। इस प्रकार से हमारा येलो फिल हो जाएगा। अब हम रेड कलर लेंगे। यहाँ करना है हमें रेड कलर। रेड और ऑरेंज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस रेड को हम थोड़ी थोड़ी करके ऑरेंज के ऊपर भी लेके जाएंगे, तो वो एक दूसरे से मिक्स हो जाए।
इसे रेड को अच्छी तरह से फिल करने के बाद इसे और एक बार डार्क करने की कोशिश करेंगे हम रेड से। अब देखेंगे नीचे ग्रीन करना है। इधर हम सेफ ग्रीन लेंगे जो लाइट ना हो, थोड़ी डार्क हो, क्योंकि यह सनसेट का टाइम है, इसलिए हमें थोड़ी डार्क कलर ही करना चाहिए, जो इस प्रकार से हम ग्रीन करेंगे। सबसे टॉप पे थोड़ा तो वाइट छोड़ देंगे, ताकि हम उसे येलो या वाइट भी छोड़ सकते हैं हम उसे। इस प्रकार से देखिए हमें थोड़ा तो वाइट छोड़ दिया ऊपर। हाँ, अब हम इसे येलो से थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि वो और लाइट दिखे। और ठीक सन सेट का जो पानी में रिफ्लेक्शन आती है उसे हम येलो से फिल कर लेंगे। इस टाइप से हम येलो कलर करेंगे। अब हम रेड लेंगे और ठीक उस ग्रीन के बुशेस के नीचे रिफ्लेक्शन की तरह दिखाएंगे पानी में, जो स्काई में रिफ्लेक्ट स्काई में जो कलर होती है वो ठीक पानी में उसका रिफ्लेक्शन आती है। फिर ऑरेंज कलर लेंगे, ऑरेंज कलर से रेड और ऑरेंज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पूरे वाटर में। अब हम इसे फिंगर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पूरे पानी को। अब हमें कोकोनट ट्री के साइड से हम पहले ब्लैक करेंगे और एक साइड हम वाइट रखेंगे, थोड़ा दूसरी ट्री को भी हम इस प्रकार से करेंगे, एक साइड ब्लैक और थोड़ा सा वाइट छोड़ देंगे हम, ताकि इस पर हम कोई लाइट कलर यूज़ करेंगे। इसके ऊपर हम ब्राउन कलर यूज़ करेंगे इसके बाद। अब हम ब्राउन कलर लेकर उसे ब्लैक और ब्राउन को मिक्स कर लेंगे। जहाँ लाइट कलर है वहाँ ज़्यादा ब्राउन होना चाहिए, ताकि वो एकदम लाइट दिखाई दे। अब कोकोनट लीफ में भी हम सेफ ग्रीन करेंगे, इसे अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। ब्लैक कलर लेंगे और
इस प्रकार से इसे लीफ को बनाएंगे, फिर पतली पतली करके इस प्रकार से सभी लीफ में कर देंगे हम। पूरा ब्लैक फिल नहीं करना है हमें, साइड से थोड़ा करनी है, सिर्फ टचअप करना है हमें लीफ के ऊपर। अब हम लाइट ग्रीन कलर से हम लैंड को ऊपर अच्छी तरह से फिल कर लेंगे, इस प्रकार से जो मैंने पहले कर रखा है, इस प्रकार से लाइट ग्रीन को अच्छी तरह से फिल कर लो। फिर सेप ग्रीन ठीक लेके हम उसे ठीक नीचे की ओर डार्क करेंगे। ऊपर पोर्शन हमेशा लाइट होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले लाइट ग्रीन कर लिया, और ग्रास के लिए हम ब्लू कलर यूज़ कर लेंगे इस प्रकार से। और फिर हम ब्लू कलर लेंगे, डार्क ब्लू कलर जो है, जो सेप ग्रीन के ठीक नीचे लगाएंगे हम उसे और डार्क दिखाने के लिए, पर्शियन ब्लू जिसे बोलते हैं, उससे हम लेंगे और ऐसे फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।